वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने गुरुवार को जनपद में 10 करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इसी के साथ मुख्य सचिव आर के तिवारी ने जनपद में संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की विभागवार उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं धनराशि अवमुक्त करने की स्थिति व जनपद में ऐसी पूर्व परियोजना जिनमें मानव संसाधन उपकरण और फर्नीचर अभाव से क्रियाशील नहीं हो पा रही है, जनपद में प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाएं जिनकी स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है, ऐसे बिंदुओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश कुमार, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, संभागीय परिवहन अधिकारी अनिता सिंह, एसपी ट्रैफिक राम सेवक गौतम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि जनपद में विकास कार्यों की गति को बढ़ाया जाए तथा आवश्यक संसाधनों के लिए जो भी प्रस्ताव हो उसे शासन को भेजकर उसे जल्द से जल्द पूरा कराया जाए, जिससे जनपद का विकास तेजी से किया जा सके। ये कंप्लीट होके एक साल हो गया सर, कंप्लीट हो गया सर। मैं इक्विपमेंट्स मैन पावर सर 2017 में कंप्लीट है सर। इसमें मैं प्रिंसिपल बीआरडी सर बोल रहा हूँ। नर्सिंग कॉलेज एंड फार्मेसी कॉलेज दो कॉलेज सर कंप्लीट हो गया था 2017 में। तो मैंने सर यहाँ जब ज्वाइन किया 2018 में, तो मैंने फार्मेसी कॉलेज तो शुरू करा दिया है प्रस्ताव कई बार भेजा गया है सर, अभी तक उस पर सब कार्रवाई नहीं हुई है सर। शासन स्तर पे होना है आप बिल्कुल।